हेलो दोस्तों, एसएनएस फूड जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मशरूम मसाला बनाना सिखाऊंगी। मशरूम मसाला के लिए मैंने मशरूम लिया और इसे स्मॉल पीसेस में कट किया है। ओनियन लिया है, ओनियन को भी मैंने बारीक लंबा कट किया है। टोमेटो लिया है, टोमेटो को मैंने स्मॉल पीसेस में कट किया है। एवरेस्ट का गरम मसाला पाउडर लिया है और एवरेस्ट का चिकन मसाला पाउडर, या आप कोई सा भी मसाला पाउडर ले सकते हैं। अदरक लहसुन यानी जिंजर गार्लिक लिया, इसका मुझे पेस्ट बनाना है। गरम मसाला लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, मिर्च मैंने सब लिया। इन सबको साथ में पेस्ट बनाना है, इन सबको मिक्स करना है, मिक्सी में इसका पेस्ट बनाना है। मैंने ऑयल लिया है, पैन में ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होगा तो मुझे मशरूम को इसमें फ्राई करना है। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें मशरूम डाल रही हूँ। मशरूम को फ्राई करके यानी गोल्डन ब्राउन करके हमें वापस से उतार लेना है। तब तक हमें अच्छे से फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तब तक हम मसाला को पीस लेते हैं। तब तक हम इस मसाला को पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं, यानी गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं। ये देखिए, ये फ्राई हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया गोल्डन ब्राउन। अब इसी बचे ऑयल में मुझे फोरन डालना है, 5 फोरन जो होता है वो डालना है। अब इसमें मुझे बे लीफ यानी तेज पत्ता डालना है, 2 रेड चिली, ड्राई रेड चिली डालना है। अब ये जब थोड़ा सा जल जाए तो मुझे इसमें ओनियन डालना है। ये फ्राई हो गया, अब इसमें हम ओनियन डाल देंगे। अब हमें ओनियन को फ्राई करना है। ओनियन को भी हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। इसमें मुझे थोड़ा सा तेल और लगेगा, बिकॉज मैंने वही पुराना तेल यूज किया था, तो मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डालूंगी। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने देना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें मसाला इसमें डालना नहीं है। ये मैंने मसाला का पेस्ट बना लिया है। ये देखो, एकदम महीन होना चाहिए, एकदम पिटा हुआ होना चाहिए। ये मेरा ओनियन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैंने जो मसाला पिसा है उसे इसमें डाल दूंगी और इसे भी साथ में भून दूंगी, यानी फ्राई करूंगी। अब इसमें हमें 1 स्पून हनी डालना है। गोल मिर्च पाउडर 1/2 स्पून, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा। अब क्यूमिन पाउडर 1/2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इन सबको साथ में डालना है। मैंने जो टमाटो को कट किया था अब उसे इसमें डालने हैं और इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें टमाटर अच्छे से गल ना जाए, और थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट भून गया है। अब इसमें मैंने जो मशरूम फ्राई किया था वो डाल देंगे और साथ में चलाएंगे। Thank you.
चिकन मसाला पाउडर या सब्जी मसाला पाउडर। इसके भी साथ में डालना है। अब ये गरम मसाला पाउडर इसके भी साथ में डालना है। सॉल्ट एज पर टेस्ट, इसे भी हमें साथ में भूनना है। इसमें अब पानी डाल देना है और थोड़ी देर ग्रेवी बनने देना है। अब इसमें हमने पानी डाल दिया है। अब इसे ढक के थोड़ा सा पानी को खोलने देते हैं। ये ऑलमोस्ट बन गया।